हरे कृष्णा। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजनेयशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवै नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सव्यं रूपकदमयं ददाति सोक्तांतिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शुभ सति गौर भक्तवृंद की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपी का कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचन गोरंगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानो सुत देवी प्रणामामि हरि प्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज एकादशी है, अपार एकादशी, बहुत ही पवित्र तिथि और भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त कराने वाली तिथि। ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की आज एकादशी है। अगली एकादशी निर्जल एकादशी है, आप सब जानते हैं। मेरी माता बहनों मित्रों, भगवान ने बड़ी कृपा की है और कृपा करके एकादशी के माध्यम से हमारे पापों से छूटने का उपाय बताया है कि हम कैसे एकादशी के माध्यम से अपने पाप से खुद को मुक्त करा सकते हैं। मेरी माता बहनों मित्रों, आज की एकादशी बहुत ही पुण्य देने वाली और बहुत ही पवित्र एकादशी है। आज की एकादशी के द्वारा जो भूत प्रेत योनि में होते हैं, वो भूत प्रेत योनि से भी मुक्त हो जाते हैं। आज की एकादशी हरिद्वार में पिंडदान कर प्राप्त कराओ, बद्री आश्रम में निवास करो या समस्त तीर्थों का भ्रमण करो, उसका पुण्य आज की एकादशी रखने से प्राप्त हो जाता है। आज की एकादशी के दिन तुलसी दल भगवान श्री हरि के चरणों में अर्पण करने की बड़ी महिमा है। कोशिश कीजिएगा आज के दिन आप सब भगवान श्री कृष्ण के चरणों में तुलसी दल अर्पण करें और तुलसी दल के द्वारा पूजा करें, बहुत ही पुण्य प्राप्त होने वाला है। आज की एकादशी अपार धन देने वाली है। आज की एकादशी के द्वारा झूठ बोलने वाले लोग, इसी तरह से दूसरे कुयोनि में गए, भूत प्रेत योनि में गए लोग, ब्रह्म हत्या करने वाले लोग, इत्यादि महापाप करने वाले लोग आज की एकादशी के द्वारा मुक्त हो जाते हैं। ये है आज की एकादशी का संक्षेप में महात्म। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम इन दिनों भगवद गीता के 10वें अध्याय को पढ़ रहे हैं, और जैसे कि कल चर्चा हो रही थी कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तुम नित्य निरंतर मेरे नाम का जाप करो।
तब अर्जुन ने पूछा कि हे कृष्ण, हे प्रभु, मैं आपका नित्य निरंतर किस तरह से चिंतन करूं, किस तरह से भजन करूं, और आपको मैं कैसे जानूं? भगवान, मैं आपका स्मरण कैसे कैसे करूं? कल जैसे बात हो रही थी कि हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य और योग शक्ति की बात हो रही थी, और जैसे कि मैंने वर्णन किया कि किस तरह से भगवान का ऐश्वर्य है और किस तरह से कृष्ण की योग शक्ति सारे संसार में किन किन रूपों में है, वो कल मैंने इस पर चर्चा की। आज कृष्ण कह रहे हैं, श्री भगवान ने कहा, हाँ अब मैं तुम्हें अपने मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है। हे अर्जुन, अगर मैं अपना ऐश्वर्य बताना चाहूं तो इतना असीम है कि उसकी कोई सीमा ही नहीं है। इसलिए अर्जुन, मैं तुम्हें मुख्य बता रहा हूं, मुख्य बता रहा हूं। हे अर्जुन, समस्त जीवों के हृदय में मैं स्थित परमात्मा हूं। जैसे कि मैंने कहा, बाहर नरसिंह, हृदय नरसिंह, बाहर भी मेरा ईश्वर है और हृदय में भी ईश्वर है, और समस्त जीवों का आदि मध्य तथा अंत में ही हूं। यानी भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ है। मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। हर और कृष्ण, कृष्ण और कृष्ण ही है। इसलिए जब हम उठते, बैठते, सोते, जागते भगवान श्री कृष्ण का भजन करते हैं, और आज तो एकादशी है, आज के दिन आपको अधिक से अधिक कृष्ण भजन करना है, अधिक से अधिक भजन करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज आपको अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा कृष्ण भजन करना है, क्योंकि सब कथाओं का सार कृष्ण भजन है, सब वेदों का सार कृष्ण भजन है। कृष्ण भजन करने से मनुष्य की बुद्धि शुद्ध होती है। चेतो दर्पणम मार्जनम, चित्त का मार्जन, चित्त की शुद्धि हरि नाम से होती है। यानी जो नित्य निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल, ऐसे करते 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 एक समय आता है मनुष्य के तन मन में, रोम रोम में वो नाम प्रवेश कर लेता है। याद रखना, शास्त्रों में आया है कि कृष्ण नाम आप चाहे मनोरंजन में ही ले लो। मैंने कल एक आपसे बात कही थी कि गीत है, संगीत है, सुगंध है, खुशबू है, जल है, फल है, फूल है, राग है, रंग है, ये सब कृष्ण है। लेकिन एक बात चेतावनी भी दे रहा हूं आज, अगर मैंने कहा कि गाने हैं तो इसका मतलब नहीं कि आप सारे दिन गाने सुनने लग जाओ, या मैंने जैसे कहा कि माया को मोहन की सेवा में लगा दो, लेकिन कैसे लगाए? याद रखना,
मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, ये जो भी मैंने कहा इसमें खोना नहीं है। क्या कहा? इसमें खोना नहीं है बल्कि इसमें कृष्ण को ढूंढना है, ये याद रखना। ये नहीं कि मैंने कहा गाना तो फिर आपने गाने ही सारे दिन सुनना चालू कर दिया, बोलो ओ, ये नहीं है। आपको संगीत, सुगंध, रंग, रूप, राग जो भी है उसमें खोना नहीं है, उसमें कृष्ण को ढूंढना है। ये सारे साधन कृष्ण के ढूंढने के, कृष्ण को महसूस करने के हैं, ये भी याद रखिएगा, नहीं तो ये सब साधन ले डूबेंगे। इस सब के सब कृष्ण के महसूस कर, अगर आपको ये सब क्या है, अगर कृष्ण इससे महसूस नहीं होता तो यही आपको ले डूबेंगे सब, इतना याद रखिएगा। आपको कृष्ण का एहसास करना है, मेरे ठाकुर का, तो सतत इन चीजों से आप कृष्ण 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 उठते बैठते खाते पीते कृष्ण कृष्ण, उससे क्या हमारी बुद्धि, कृष्ण कहते ददामी बुद्धि योगम, मैं फिर तुम्हें सतबुद्धि दूंगा, वो तुम्हारी दुर्बुद्धि का हरण हो जाएगा। दुर्मत हरण दुर्मति का हरण हो जाएगा, किससे? हरि के नाम से, कली में हरि को नाम। ये जो कलयुग में हरि का नाम है इससे दुर्मति का हरण हो जाता है। और सत बुद्धि आती है, मैं आपको एक छोटी सी कथा बताऊं कि नाम आप कैसे भी जपो उसका असर होने वाला है। एक चोर था, मुझे मेरी पुरानी कथा याद आ रही है, एक चोर था और वो कहीं से चोरी करके भागा, सिपाही उसके पीछे थे, भागते 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 जंगल में भाग गया। और जंगल में एक संत का आश्रम था, संत की कुटिया थी, उसमें चोर जाके छुप गया। अब उस समय संत हरि कथा कर रहे थे, क्योंकि याद रखना संतों का एक ही काम है, हरि कथा। संतों का ओढ़ना बिछोड़ना ही हरि कथा है, वो हरि कथा के बिना ना रह सकते ना जी सकते, और लोगों का जीवन कल्याण करते। संत ना होते जग में तो जग जल मरता संसार। ये महापुरुषों को आज मैं समस्त वंच कल्पत्रु भयश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितनाम पावेन भयो वैष्णवे भयो नमो नमः, समस्त वैष्णव गणों को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि ये ना हो तो संसार जल मरेगा। ये अपनी हरि कथा से इस संसार की आग को बुझाते, अपने वचनों से तप्त बुझाते, जो तप रहा है संसार उसको बुझाते हैं, हृदय को शांत करते हैं हरि कथा के माध्यम से। तो वो चोर जाके वहां छुप गया, और उस समय वहां हरि कथा चल रही थी। सुनना, नाम जब आप करोगे तो करते करते सतबुद्धि आ जाएगी और दुर्मति का हरण हो जाएगा, दुर्मति समाप्त हो जाएगी। ये कृष्ण नाम की महिमा है, ये कृष्ण नाम की शक्ति है। कृष्ण नाम, कृष्ण लीला, कृष्ण महिमा की कोई सीमा नहीं है, असीम है, असीम है, असीम है, असीम है मेरी माताओं बहनों मित्रों सज्जनों। तो वो चोर के कान में कथा जाने लग गई। संत कह रहे थे वृंदावन में जमुना जी का किनारा है। डाकू ने सोचा वृंदावन हो या काशी हो मुझे क्या लेना देना, जमुना हो या गंगा हो मुझे क्या लेना देना।
उस जमुना के किनारे पे बंसी बजाता हुआ नंद का बेटा श्री कृष्ण गायों को चराते हैं। चोर ने कहा, गाय चराए, बकरी चराए, मुझे क्या लेना देना, बंसी बजाए या कुछ बीन बजाए, मुझे क्या लेना देना। चोर का मन हरि कथा में नहीं लग रहा था, चोर का मन हरि कथा में नहीं लग रहा था। तब अचानक संत के मुंह से निकला कि वो जो कृष्ण है नंद का बेटा, उसके माथे पे मणि है, बहुमूल्य मणि है, और गले में वैजयंती माला है, बहुमूल्य। कान में जैसे ही गया बहुमूल्य वैजयंती माला, उसका एक एक मोती बहुमूल्य है, और माथे पे मणि है, बहुमूल्य है। चोर के कान कथा में लग गए, सोचने लगा अगर ये मणि इस जो बालक के माथे पे है मुकुट में और गले में जो माला है वो लूट लूँ तो मेरी तो सात पुश्तों को फिर लूटने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही मुझे फिर ऐसे सिपाहियों से बचने की ज़रूरत है। ये मन में भाव बना के कथा सुनने लगा कि बस ये अब मुझे चुराना है, इस बच्चे की गले की माला और माथे की मणि चुरानी है, मुझे जो मुकुट में लगी है वो चुरानी है। जब कथा पूरी हुई, संत ने कहा, कोई प्रश्न है? इस चोर ने कहा, हाँ 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 मेरा एक प्रश्न है। संत ने कहा, क्या प्रश्न है? चोर ने कहा, ये जिस बच्चे का आपने नाम लिया, जिस बालक का नाम लिया, क्या नाम है? संत ने कहा, इसका नाम कृष्ण है, और गोविंद और गोपाल भी कहते हैं इसको। ये कहाँ होता है? कहा, वृंदावन में जमुना के किनारे मिलता है। बस अब चोर ने मन में ठान लिया कि मैं वृंदावन जाऊंगा, जमुना जी के किनारे जाऊंगा और इस बालक को लूट लूंगा, इसके गले की जो माला है लूट लूंगा, माथे की जो मणि है वो लूट लूंगा। और फिर मैं बहुत पैसे वाला बन जाऊंगा, फिर मुझे कुछ लूटने की चोरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सोच के वो वृंदावन की ओर चला, लेकिन ये चोर पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए वो नाम लिख नहीं सका। और हुलिया लिख नहीं सका कि कैसा हुलिया, इसलिए वो मन मन में रटन करने लगा, क्या कृष्ण गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोपाल, ताकि वो नाम भूले नहीं, नहीं तो वृंदावन में किसको लूटेगा, किससे पूछेगा, नाम के बिना कैसे पूछेगा वो बच्चा कहाँ। और चित्त में वो स्वरूप के दर्शन, मुख पे मुरली, पीली पीताम्बरी, जो संत ने बताया था सारा हुलिया, वो स्वरूप का ध्यान, और ऐसे चलते 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 बीच में रटते 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 ध्यान में वही पीली पीताम्बरी, मुख में मुरली, मोर मुकुट, बिंबाफल जैसे लाल लाल होंठ, मेघ वर्ण्यम, शुभ अंग मेरे ठाकुर का, ऐसे कई दिन तक वो चलता रहा, लेकिन नाम रटना नहीं छोड़ा, ताकि कहीं भूल ना जाए, कृष्ण गोविंद गोपाल, 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 ऐसे करते 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 वृंदावन पहुंचा। वृंदावन पहुंचने के बाद वो यमुना जी के किनारे पहुंचा, मुख पे नाम और चित्त में वही स्वरूप का ध्यान, मुख पे मुरली, पीली पीताम्बरी, श्याम वरण, घुंघरियाले बाल, बिंबाफल जैसे लाल लाल होंठ, ऐसे मेरे ठाकुर का, बाल कृष्ण के स्वरूप का दर्शन,
और मुख पे नाम कृष्ण गोविंद गोपाल। हालांकि वो लूटने जा रहा था, मन में ऐसी दुर्बुद्धि थी, ऐसे करते 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 वो वृंदावन पहुंचा। वृंदावन का नाम सुनते ही कान में घंटियां बजने लगती, वृंदावन मेरो वृंदावन। वो वृंदावन पहुंचा, जमुना जी के तट पे पहुंचा, आज एकादशी है, चलो भाव से चलते हैं वृंदावन, वृंदावन जमुना जी के तट पे। और वहां गायों का बहुत बड़ा झुंड था, मानो ना मानो यही कृष्ण गोविंद गोपाल होगा। वो चोर ये सोचकर गवों के बीच पहुंचा, देखा ठाकुर मुख में मुरली सजाए, आनंद स्वरूप में विराजमान है। चोर ने कहा यही है, और चोर ने जैसे ही ठाकुर को देखा अपनी सुध बुध भूल गया और आंखों से आंसू बहने लग गए। जब आंखों से आंसू बहने लगे, भगवान तो अंतर्यामी है, घट घट को जानते हैं, जैसे कि आज भी गीता में कहा सबके हृदय में परमात्मा के रूप में वही मेरा कृष्ण है। बोलिए ना, कृष्ण 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 कृष्ण। वही मेरा कृष्ण है, वही मेरा कृष्ण है। याद रखना, कृष्ण जैसा दयालु कोई नहीं है भाई। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीना बंधु जगतपति, बस आपका जीवन कृष्ण से भरना चाहिए। आपका जीवन कृष्ण से भरा हो, ओ कृष्ण 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 कृष्ण, ओढ़ना बिछोना सोना जागना। तुझे देख देख जगना, तुझे देख देख सोना। तुझे देख देख जगना, तुझे देख देख रोना। हे गोविंद, हे कृष्ण प्यारे, हे मेरे प्यारे श्याम सुंदर, तुझे देख देख जगना, तुझे देख देख सोना। अब क्या करेगा करोना, अब क्या करेगा करोना। तो भगवान आपकी रक्षा करे करोना से। तो चोर शुद्ध बुद्ध खो बैठा और रोने लग गया। तब भगवान तो घट घट अंतर्यामी है, और वो हमसे ज्यादा हमारे लिए जानते, पता है? आप विश्वास रखना, हमसे ज्यादा वो हमारे लिए चाहते हैं। क्या चाहते हैं? वो बेहतर चाहते हैं। अरे उसको तो उस समय भी पता था जब हम माँ के गर्भ में थे, और जैसे ही जन्म लिया उसको पता था इसको क्या चाहिए। उसने माँ के स्तनों में दूध दे दिया। मेरी माताओं बहनों मित्रों, देखो कैसा दयालु है। उसको पता था इसको ये चाहिए, वो दे दिया। मुए को हरी देते, मरे हुए को भी वो देता है। मुए को हरी देते लकड़ी कपड़ा और आग, जीवत जो चिंता करे उसके बड़े अभाग। अरे वो मरे हुए को भी दे देता है, तो हम तो जिंदा है। मेरा ठाकुर हमसे ज्यादा हमारे लिए सोचता है हमें क्या चाहिए। इसलिए खूब भजन करो, भजन से भर जाओ, कृष्ण नाम से भर जाओ। एको मंत्रो तस्से नामानि यानी, कृष्ण नाम से बढ़ के कौन सा मंत्र है? बोलो, हरि नाम से बढ़ के कौन सा मंत्र है? मेरे प्रभु के नाम से बढ़ के कौन सा मंत्र है? कोई मंत्र नहीं। एक मंत्र तस्य नामानि, एक ही मंत्र है कृष्ण नाम। इसलिए वो चोर कृष्ण को देख के रोने लग गया। तब भगवान ने कहा, हे भाई सुनो, तुम मुझे लूटने आए थे ना, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, लो लूट लो,
ये रही मेरी माला वैजंती, ये मणि है लूट लो। तब उस चोर ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु एक लूटा हुआ व्यक्ति किसी को क्या लूटेगा, मैं तो पहले लूट चुका हूं, मैं आया था आपको लूटने, मेरी बुद्धि दुर्बुद्धि थी, खराब नीयत थी, आपको लूटने आया था प्रभु, लेकिन आपके नाम ने, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, आपके पवित्र नाम ने मेरी दुर्मति का हरण कर लिया, आपके पवित्र नाम ने मेरी बुरी नीयत का हरण कर लिया, आपके पवित्र नाम ने मेरे बुरे विचारों का हरण कर लिया, आपके नाम ने तो मेरा हरण कर लिया, मैं लूट गया, मुझे आपके नाम ने लूट लिया प्रभु, मेरी दुर्बुद्धि हरण हो गई, अब मैं लूटा हुआ आदमी आपको क्या लूट सकता हूं प्रभु, आपके नाम में आप समाए हो, धन्य है प्रभु आपको धन्य है। ऐसा करके चोर वहीं भगवान के चरणों में मस्तक हो गया, अपने आप को झुका दिया। ऐसा है भगवान का पवित्र नाम कि मनुष्य जिस बुद्धि से भी ले, मजाक में ही ले ले, उसका कल्याण हो जाता है। तो आज अपार एकादशी है, आज ये एकादशी कहते हैं अपार धन देने वाली भी है, तो सबसे बड़ा तो नाम धन है, जिसके पीछे सब धन आ जाते हैं। ये भूत प्रेत कुयोनि से छुड़ाने वाली एकादशी है, इसमें कथा में भी आती है कि एक राजा को मार के दफन कर दिया जाता है, जमीन में गाड़ दिया जाता है एक जाड़ के नीचे, लेकिन वो राजा फिर भूत बनता है और एक महात्मा आकर एकादशी के, ये सारी एक कथा है, और उसको उस भूत योनि से छूटता है वो। तो ये एकादशी बहुत पुण्य देने वाली है आज की एकादशी, और ऐसी एकादशी में हम भगवत गीता आज तुलसी दल भगवान के चरणों में अर्पण करना जरूर, और सारा दिन जितना हो सके मेरे ठाकुर का भजन करना, भगवत गीता का पाठ करना, भागवत का पाठ करना, अन्य कोई भगवान भक्ति ग्रंथ का पाठ करना, तुलसी में जल अर्पण करना और भगवान नाम का जप करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मेरी माताओं बहनों मित्रों, यहीं आज मैं कथा को विराम देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब सुरक्षित होंगे, अपने ठाकुर का आनंद ले रहे होंगे, उनकी कृपा का अनुभव कर रहे होंगे कि इस कोरोना काल की महामारी में भी आपको कैसे मेरे ठाकुर ने संभाला हुआ है, कैसे आपकी रक्षा कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, लेकिन प्लीज़ घर से मत निकलिएगा, अपने घर में ही रहें, बहुत ज़रूरी हो तो निकलिए, जैसे ही बाहर से आए तुरंत हाथों को साबुन से धोए, अच्छी तरह से खुद को सैनिटाइज करें, क्योंकि हमारे बच्चों की हमारे परिवार की इसी में रक्षा है कि हम सुरक्षित रहें, और कृष्ण कृपा से अपना सारा जीवन जो भी मिला है उसका हम सदुपयोग करें। मेरे भगवान की कृपा, मेरे ठाकुर की कृपा आप पे हमेशा बनी रहे। मेरे साथ जपो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय एकादशी मैया की जय, जय मेरे ठाकुर बांके बिहारी लाल की जय। नित्य बजो हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम राम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कल मिलेंगे फिर हरी कथा के साथ।